हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस तरह का फोटो एडिट करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप अपनी फ़ोटो को एयर ब्रश एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी फ़ोटो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम स्मूथ को सिलेक्ट करेंगे और स्मूथर पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को थोड़ा जूम करेंगे और अपने फेस पे केयरफुली ब्रश करना स्टार्ट कर देंगे, इससे हमारी फ़ोटो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। वीडियो को यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर हमारा फेस बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपने हाथों को भी थोड़ा बहुत स्मूथ कर देते हैं जिससे हमारी फ़ोटो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। तो यहाँ हम दूसरे हाथ को भी थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूरी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम सही के निशान पर क्लिक कर देंगे और यहाँ डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो को अपनी सेव कर लेंगे। और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है फ़ोटो टेढ़ी है, इसीलिए हम क्रॉप के निशान पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो को थोड़ा सीधा कर लेंगे। और यहाँ हम लाइट पर क्लिक करेंगे, एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट कम करेंगे। और यहाँ हम हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, शेडो को भी थोड़ा कम करेंगे, नीचे करेंगे और ब्लैक को थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ हम कलर में जाएंगे और मिक्स पे क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा कम करेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ऑरेंज कलर पर क्लिक करेंगे और इसका सेचुरेशन कम करेंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। येलो कलर पे क्लिक करेंगे और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे। और यहाँ हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे, इसको भी थोड़ा कम करेंगे। ब्लू कलर को यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, इसको कम करेंगे और सेचुरेशन को यहाँ थोड़ा इंक्रीज करेंगे। और यहाँ हम पिंक कलर को सेलेक्ट करेंगे और सेचुरेशन को फुल इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से डन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर क्लिक करें और टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी थोड़ी कम करेंगे, विगनेट को भी हम थोड़ा कम करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है, कितनी कलरफुल लग रही है। तो यहाँ हम शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर देंगे।